हाय, आई एम गुरप्रीत. आई एम क्लाइंट ऑफ हाईटेक होम्स एंड मैं माइंडफुलनेस बेस्ड इमोशनल क्लैरिटी कोच हूँ. और मैं मेरी रिक्वायरमेंट थी एक ऐसा घर जहाँ मेरा होम ऑफिस और घर की कंफर्टेबिलिटी दोनों मुझे एक ही जगह मिल सके. और वो पूरा किया है हाईटेक होम्स ने. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाईटेक होम्स. माय नेम इज रमन शर्मा एंड आज मैं वापस अपने पसंदीदार क्लाइंट को पकड़ के ले आया हूँ. हमने इनको 1.5 ईयर बैक एक फ्लोर दिलाया था, 180 स्क्वायर यार्ड्स कॉर्नर प्रॉपर्टी, गेटी टाउनशिप विद 100% पावर बैकअप, ग्रीनवुड सिटी में. मैम की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी एंड हमने कोशिश करी कि मैम की रिक्वायरमेंट्स को सारा फुलफिल किया जाए. उनको इनको रहते रहते कम से 1-1.5 साल हो चुका है. सो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बायर होता है ना जो दिल्ली से आता है, जिसके लिए गुड़गांव एक बहुत ही अनजान जगह है, बट तारीफें सुनी कि दुबई जैसा दिखता है, तो क्या क्या चीज़ें वो फेस करता है, कितना उसके अंदर ना एक डर होता है यार नई सिटी में जाऊँगा जो मेरे को इधर चहल पहल है दिल्ली की वो मिलेगी नहीं मिलेगी. किसी भी सिटी से वो आ रहा है, मेनली हमारी जो क्लाइंटेज होती है दैट इज़ मोर और लेस 90% दिल्ली NCR के ही सारे होते हैं. एंड वो बंदा ये ज़रूर सोचता है कि क्या मैं जाते ही मेरे साथ कुछ सही बंदे टकराएं, क्योंकि मैम हमारे पास रेफरेंस के थ्रू आई थी. तो मैम प्लीज़ आप बताइए कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी. सी, पहले तो मैं ये बोलूँगी मैं बहुत एक डिफ़िकल्ट क्लाइंट थी और मेरी बहुत सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स स्ट्रिंजेंट थी, क्योंकि मेरे को बच्चों के साथ अकेले रहना था. जी मैम. एंड शिफ्टिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में बहुत कल्चरल डिफरेंट है गुड़गांव से. और जब भी मैं रेंटेड अपार्टमेंट के सर्च के लिए निकलती थी तो मुझे प्रॉपर्टी डीलर्स बिना मेरी रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस किए हुए मुझे कहीं पे भी कुछ भी दिखाते थे. बट सिंस आई वॉज वेरी अवेयर, मैं ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स को साइड पे करना सीख गई थी, बिकॉज एवरीबडी has time which is very limited. So managing kids and my profession along with searching for a house out here, I was pretty hard on property dealers कि मेरे को ऐसे किसी के साथ भी नहीं घूमना. So मैं बहुत strictly communicate करती थी और दिखाती थी अपनी पहले पिक्चर्स मंगवाती थी, फिर इफ आई एम सेटिस्फाइड देन ओनली. स्टिल मुझे बहुत घूमना पड़ा, लेकिन मेरी सर्च आप पे आके एंड हुई और आपने विद इन 2 डेज, बिकॉज यू वर राइट ऑन ट्रैक कि मेरे को मतलब मैंने आउटराइटली रिजेक्ट किया कि मैं बिल्डिंग के बाहर खड़े होके बिल्डिंग के अंदर नहीं आती कि you know this location wouldn't suit me. क्योंकि मैम की जो रिक्वायरमेंट थी दैट वाज हाई राइज सोसाइटी, तो हमने कोशिश करी कि मैम को हाई राइज सोसाइटी हम दिखाएं, बट मेरे दिमाग में ये था क्योंकि मैम का चीज में समझ जाता कि साइज थोड़ा बड़ा चाहिए बट गेटेड में चाहिए, तो मैं समझ गया यार ऐसी टाउनशिप ही हो सकती है जो प्रॉपर गेटेड वन एग्जिट वन एंट्री हो, और कहीं ना कहीं हाई राइज मेरे बजट में नहीं आ रही. जी जी मैम. सो आपने मुझे देन यू स्टार्टेड, मैंने थोड़ा सा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया ना, आपने मुझे दिखाना शुरू किया ऐसे गेटेड सोसाइटी. एंड ग्रीनवुड में हमें एक और इससे आगे वाली लाइन में पसंद आया घर. सो बट अगेन वो घर बहुत सुंदर था बट बहुत छोटा लग रहा था मुझे. सो रमन जी, मतलब आई वॉज विलिंग टू बाय दैट हाउस, बट मुझे लग रहा था मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ. लेकिन अगले दिन ही यू केम अप विद दिस हाउस एंड एज सून एज आई एंटर्ड दिस हाउस आई न्यू दिस वॉज द वन फॉर मी. सो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी एग्जैक्टली फुलफिल करके दी हैं आपने. एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी लिविंग इन दिस हाउस. माई चिल्ड्रन आर सो हैप्पी लिविंग दिस हाउस. हमें जैसा इसको सजाना था, जैसा एक एक चीज हमने सोच के रखी थी कि व्हेन विल बी हैविंग आवर फर्स्ट हाउस कि हम क्या करेंगे. सो मैंने बहुत दिल से इसको डेकोरेट किया एंड विद एवरी अदर थिंग आई परचेज फॉर दिस हाउस आई रियली थैंक्ड यू इन माय हार्ट कि यू नो यू आर द वन दैट फुलफिल्ड माय ड्रीम हाउस रिक्वायरमेंट. वो ये जैसे अगर और सिर्फ 2 दिन के अंदर दैट वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम. मतलब मुझे याद है कि वी वेंट टू एमआर एमरिड हिल्स, उधर ओल्ड FER से कुछ बने होते ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे,
तो उसके बाद मैंने मैम को बोला, मैम ने बोला यार ये भी समझ आ रहा है मुझे, थोड़ा आउट ऑफ बजट है बट इसके लिए वी कैन कंसिडर। तो उस टाइम किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के लिए ये होता है कि यार क्लाइंट को समझ आ गई चीज़ें, अब नहीं दिखाते। मेरा सिंपल से, हमारी पूरी टीम का सिंपल सा फंडा होता है कि जब तक ऑप्शंस हैं क्लाइंट्स को तब तक दिखाते जाओ। क्यों? क्योंकि क्लाइंट तभी कंपेयर कर पाएगा कि ये मेरे लिए बेटर है या ये मेरे लिए बेटर है। तो उसके बाद मैंने एमआर के पास सीधा मैं ग्रीनवुड ले आया, और एक्चुअली क्या मैंने रस्तों में मैं अच्छा नहीं हूँ, तो उसमें मैं अकेला ड्राइव कर रहा, कोई था भी नहीं मेरे साथ, तो मैंने ना लोकेशन डाली, मैं ग्रीनवुड सिटी देख लेंगे तो जाइए कैसे कैसे पहुँचेंगे, और किस्मत मेरे को सही टाइम पर सही जगह पर ले के आ गई। एंड मैंने मैम को दिखाया, एंड आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि मैंने मैम को दिखा ना तो मैम ऐसे बोली सही है, एक बार कल पापा को दिखाती हूँ बस। एंड नेक्स्ट डे आपको पता है हमने एडवांस भी दे दिया, एंड यू नो विद इन नो टाइम, मतलब एक दिन देखा नेक्स्ट डे डील फाइनल कर दी, एंड आई विल अप्रिशिएट कि जब आप हमारे साथ वहां पे टेबल पे बैठते हैं नेगोशिएशन के लिए, तो आप मतलब बिल्डर के बजाय हमारे को क्लाइंट को प्रेफरेंस देते हैं। हमारा सिर्फ यही होता है कि देखो बिल्डर सबका है बट क्लाइंट हमारा है, एंड बिल्डर को पैसे लेने हैं, बायर को पैसे देने हैं, तो जो लेने वाला है वो तो थोड़े कम कर ही सकता है। हमेशा बहुत अच्छी नेगोशिएशन करवा के दिया आपने, वी रियली नेगोशिएटेड टू आवर बजट, राइट मैम, और आई एम सो हैप्पी के वी गॉट इन टच विद यू। एंड मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहूँगी, मैं बहुत सारे और डीलर्स के साथ देख रही थी, तो मैं बहुत दिनों से देख रही थी सिंस अप्रैल, एंड वी फाइनलाइज दिस हाउस ऑन अ वेरी लकी डेट, दैट इज 7th of July, एंड आपको बताऊँ कि मैं इस घर का नंबर व्हेन वी ऐड इट इज आल्सो 7106, सो द 7 यू नो एक लकी डेट हमारे लिए यू नो प्रूफ हुई, एंड वी इट वॉज सो मतलब आउट ऑफ द ब्लू, यू नो अप्रैल से जो बंदा ढूंढ रहा हो यू नो और कहीं क्लिक नहीं कर रहा हो, एंड व्हेन आई जस्ट बिकेम सो फ्लेक्सिबल कि ठीक है, और मुझे दो दिन में आपके हिसाब से घर मिल गया, क्योंकि मैं बाकी लोगों से बहुत बहुत टाइम से देख रही थी लेकिन नोबडी क्रैक्ड माय कोड। मैम वही है हमारे लिए जो सबसे मेन होता है ना, मैं हर क्लाइंट को जो भी हमारे विजिट्स पे आता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना भी आप हमको फीडबैक दोगे, जितना भी आप हमको बताओगे नहीं यार ये हमको पसंद नहीं आया हमको ऐसे, उतना हमारे लिए बेटर होता है। मैम ने वो फीडबैक दिया, मैम ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, जब मैंने मैम को बोला मैम यू कैन सिट फॉर द मीटिंग, आप बैठो, डोंट वरी अबाउट द नेगोशिएशन, विल हैंडल इट, मैम ने ट्रस्ट किया। एंड आज की डेट में जब एक साल पहले जिस रेट पर आपने कोट किया है पूरे ग्रीनवुड सिटी में, उस रेट में तो कहीं दूर दूर तक नहीं है इधर ग्रीनवुड सिटी में कोई भी फ्लोर, और विद इन एन ईयर एप्रिसिएशन इज ट्रेमेंडस, बहुत बहुत अच्छा एप्रिशिएट। कॉर्नर का घर मुझे मिला जहां पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव स्टिल्ट पार्किंग, वी हैव पार्किंग आउटसाइड, सो बहुत एक ना मतलब ड्रीम प्लेस थी। लोकेशन वाइज भी इट्स वेरी मच नियर टू, दो पार्क के बीच में है मेरा घर, सो बीइंग विद द चिल्ड्रन यू नो आई कैन जस्ट सी देम फ्रॉम द फ्रंट बालकनी, फ्रॉम द बैक बालकनी वेयर दे आर, एंड ऑल्सो सबसे प्लस पॉइंट ये था कि नाउ आई हैव माई ओन बालकनी एंड चिल्ड्रन हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट बालकनीज, ये हर रूम के साथ बालकनी है yes. आपको कुछ ना कुछ बीच में ब्यूटी शॉट्स दिखते रहे होंगे कि कैसा घर है कैसा क्या है। एंड बाकी मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा प्लीज बुक योर विजिट एंड प्लीज कॉल अस एट 8929028000 और 9560000261, एंड आई कैन अश्योर यू हम आपको बहुत अच्छा घर दिलाएंगे। बी पेशेंट विद अस, ठीक है, आई विल बी आल्सो पेशेंट विद यू, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फीडबैक जितना दोगे उतना अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, जितना आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑन विजिट्स वगैरह उतना आपके लिए बेटरमेंट है। हम तो चलो अपना काम कर रहे हैं बट एट लास्ट जो घर हम आपको दिलाएंगे उसमें आपको रहना है, आपके बजट में चीज़ लानी हमारी गारंटी है, हम आपको ऑप्शंस ही उस अकॉर्डिंग दिखाएंगे, बाकी जैसा मैम कहें। और आई ट्रूली रिकमेंड आप ज़रूर इनके पास आएँ और अपनी क्लैरिटी के साथ आए कि आप क्या चाहते हैं अपने ड्रीम हाउस में, जितना इफ यू कैन ड्रीम बिग आई एम श्योर ही इज गोइंग टू फुलफिल दैट, सो आई टोटली रिकमेंड। एक और चीज है वो आजकल YouTube पे चलती है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल हाईटेक होम्स।
एक बार आप प्लीज बोलो हाईटेक होम्स होम्स प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब हाईटेक होम्स इट्स अ मस्ट सी जी थैंक यू सो मच